आइए आपको हमारे संवाददाता कारदा नताम की एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे यह पता चलता है कि सैन्य दृष्टि से काफी अहम अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में कनेक्टिविटी की स्थिति कैसी है। यह पूरा दृश्य नाचो से टाक्सिंग के बीच का है, जो नॉर्थ ईस्ट लाइव के कैमरे में कैद हुआ है। प्राकृतिक रूप से बेहद ही सुंदर और सूर्य की पहली किरण पड़ने वाले अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी के भीतरी इलाकों में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। परसों हम लोग निकला, तीन दिन जैसे हो गया यहाँ में आने वाला, अभी तक नहीं पहुँचे। इतना लेट हो रहा है, रास्ता पूरा खराब है, रास्ता का कंडीशन देखने लायक नहीं है, इतना तकलीफ मिल रहा है हम लोग को। यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। न केवल स्थानीय लोग बल्कि आवश्यक सामग्री की ढुलाई में भी असर पड़ रहा है। और ये इलाका हमारे ही देश का है, जहां शायद दिल्ली में बैठे बड़े नेताओं की निगाह नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि पड़ोसी देश दुर्गम इलाकों का फायदा उठाकर समय समय पर स्थानीय युवकों को बंदी बना लेता है। आशा है कि हमारी यह रिपोर्ट सरकार को सोचने के लिए मजबूर करेगी।